और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम जब बाबा लोगों की कथावाचकों की हम हर किसी की चर्चा करें, हालांकि हम किसी का ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई एक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, फैन की बात हो गई, जनता की भी बात हो गई, उनकी खुद की अगर बात करें तो उनके पास खुद ही बहुत आलिशान चीज़ें, बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, लेकिन वो एक तरफ अपने जो है सारे लोगों को कहते हैं जो उनके सामने बैठी है, जो जनता है उनको कहती है कि एकदम सादा रहो, सादा रहो, सादा रहो। हाल ही में एक बाबा पर सवाल उठने लग गए हैं, बहुत मानते हैं लोग उन्हें और उन पर सवाल उठने लग गए हैं। ऐसे बहुत सारे और भी बाबा लोग हैं जो कि ज्ञान तो बहुत सारे देते हैं लेकिन वो अपने ज्ञान को खुद ही खुद पे फॉलो नहीं करते, खुद का जीवन हर तरीके से ऐशो आराम से भरा हुआ है, लेकिन जो सामने आपने जैसे बोला ना कि भोली जनता बैठी है उसको वो गुमराह कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये संतों का ये बिजनेस बन चुका है? देखिए बहुत सारे संत हैं अलग अलग, जिसको हम देखते हैं कि बहुत लैविश लाइफ जी रहे हैं, जैसे हमने राम रहीम को देखा है। अब राम रहीम का ऐसा कोई मतलब नहीं बनता था कि भाई जनता को आपने सही है, आप गाइडलाइन दे रहे हो, आप कुछ बता रहे हो, हमें तो नहीं पता उन्होंने ज़िंदगी में क्या बताया क्या नहीं। फिर आप एक दिन फिल्म बनाने लग जाते हो, फिर आप गाने गाने लग जाते हो, फिर आप कहते हो विराट कोहली भी मेरा ही चेला है, मैंने उसको सिक्सेस मारना सिखाया। तो इस तरीके के जो बाबा लोग हैं इनका, इनको तो जनता भी पहचानती है। और आजकल तो आपने देखा होगा कि इनके मीम्स बनने लग गए बेचारों के, है ना, बहुत सारे जगह पर तो इनके, बल्कि लोकोक्तियों में, कहावतों में आजकल के बाबाओं का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना। किसी के ऊपर तंज मारना हो तो बाबा का नाम ले देता है कोई भी। लेकिन अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि क्या ज्ञानियों के पास में धन या ऐश्वर्य या सुविधाएं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। देखिए आप ये काम तब कर पा रहे हो तब आपके पास में सारी सुविधाएँ हैं, आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में कुछ बुद्धि है जिससे आप जनता को अलग प्रकाश दे सकते हो। तो आपके पास कैमरा, माइक या संचार का कोई साधन ही नहीं है तो फिर भी आप डूब जाओगे। अब देखो महर्षि कर्णाद का विषय अलग था। महर्षि कर्णाद ने, उनका नाम ही कर्णाद इसलिए पड़ा क्योंकि वो कण को चुनते थे और कण की खोज भी उन्होंने की थी। वो कभी भी राज आश्रित नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं राजाश्रित रहा, जैसे कि पहले राजऋषि लोग रहते थे, तो ऐसे में हो सकता है कि मेरी जो खोज है वो प्रभावित हो जाए। तो महर्षि कर्णाद क्या करते थे कि जब गेहूं कट जाते थे तो उसके बाद में जो बालियां पड़ी रह जाती थी खेत में उनको चुन ले आते थे और बहुत कम भोजन करते थे और अपना अपनी रिसर्च में लगे रहते थे। तो आज जो हम वैशेषिक दर्शन पढ़ते हैं जिसके आधार पर आगे फिर फिजिक्स के बहुत सारे सूत्र निकले और जिससे कि गुरुत्व का पहली बार जो जहाँ जिक्र हुआ, तो और जहाँ पर परमाणु का पहली बार जिक्र हुआ। लेकिन अगर आज की तारीख में हम देखेंगे तो वैसे अगर ऋषि मुनि रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वैसा कोई काम कर पाएंगे। अब जैसे कि बाबा रामदेव हैं, बाबा रामदेव ने अपना एक अनुसंधान केंद्र बनाया। अनुसंधान केंद्र में उन्होंने बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स का रिसर्च किया, जैसे कि अब चूहों पे बहुत सारे रिसर्च होते हैं और बहुत सारी जो मेडिसिन्स बनती हैं लोगों पर उसका रिसर्च होता है, फिर उसका डाटा पूरा संभाल कर रखा जाता है। पहले हम करते थे ऐसा कि तुलसी पत्र लेकर के उसको उबाल के पी लेते थे, लेकिन अगर हम तुलसी पत्र में से बुखार को जो ख़त्म करने वाली जो चीज़ें हैं केवल उन मॉलिक्यूल्स को हम चयनित करके एक गोली या कैप्सूल बना लें, ठीक, जिसमें उसका संघनन बहुत ज़्यादा होगा, तो ऐसी गोली बहुत जल्दी आराम कर सकती है। तो ये कब हो सकता है? जब आपके पास में अनुसंधान केंद्र होगा, साइंटिस्ट होंगे। तो अब बाबा को एक स्पीच देने के लिए अमेरिका जाना है, मान लो कि वो हरिद्वार में बैठे हुए और उनको जाना है कन्याकुमारी, तो कैसे जाएंगे? अगर उनके पास में चार्टर प्लेन है तो तुरंत पहुंच जाएंगे, तुरंत वापस आ जाएंगे। वेद भी हमारा ये कहता है कि जो बौद्धिक वर्ग है हमारा, ऐश्वर्य उन्हीं के लिए बनाया गया है। जो लोग ये कहते हैं कि अरे ये बाबा दूसरों को तो उपदेश दे रहा है और अपने आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है, हमें भी ये बात देखनी पड़ेगी कि वो बाबा सिर्फ वहाँ मुँह में, एक हमारे मुजफ्फरनगर में कहावत है थूक बिलोना, तो उससे निकलता कुछ नहीं है। वो किसको कहते हैं कि जो बस रात दिन अपनी जो है बोलते तो हैं लेकिन करते कुछ नहीं, प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है। अगर वो बाबा लोग ये सारे काम करते हैं और फिर लेविश लाइफ भी जीते हैं तो वाकई में उनके ऊपर सवाल होना चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर कोई प्रोडक्टिविटी, आप समाज को कुछ नया देना चाहते हो, अनुसंधान कर रहे हो, युवाओं को कुछ देने का प्रयास कर रहे हो, तो हाँ आपके पास में सर्वाधिक ऐश्वर्य होना चाहिए, सुविधाएँ होनी चाहिए। यानी कि जो योग्य है जो योग्य है उसके पास सुविधाएं होनी चाहिए। नहीं तो मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे बाबा हैं से जिनके पास में गाड़ियां हैं और
लोग सवाल उठाते हैं। अब जैसे कि प्रेमानंद बाबा जी के बारे में आजकल सवाल उठ रहा है, मैं प्रेमानंद जी को सुना नहीं है कभी,